लड़के होते, होते, है होते हैं जो तुम्हारे पास्ट पे तुमको ऐसे टॉक्सिक लवर होते होते हैं 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 बेबी जो जो वो आपसे बेहद प्यार करते जैसे मेरा भी लवर था अगर कुछ देख लिया तो उस टॉपिक को लेके सुनाते रहेगा तेरे तो हाँ। तो तो है तो रिप्लाई दी इसने कभी किसी स्टेट में मेरा फेवरेट जैसे जयपुर होता है या फिर एक मैंने फ़रीदाबाद में किया तजारा में राजस्थान में लखनऊ में करा तो मेरे को ना पहले क्या सीन होता था मेरे को ना एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत कम रहती हैं हर चीज़ में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ज़्यादा कि मुझे इतना मिल मिलेगा इतना मिल रहा है तो हमेशा कम एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूँ कि इतने आ जाए मैं खुश हूँ फिर वहाँ पे पब्लिक आती है जो भी मतलब कई बार ऐसे होता है मैं जा भी नहीं पाता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि इतने लोग आ गए जाम हो गया ये हो गए बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैं एक बारी तो जयपुर में जो पहला कुछ ही नहीं पाया था मैं मेरे मीटअप में न और जो कंटेंट मैं बनाता हूँ पब्लिक काफ़ी रिलेट करती है मेरे से काफ़ी प्यार करती है सबसे मेन बात ना मतलब ऐसे समझते हैं कि अपना भाई है उस लिए वो मेरे से मिलने आते हैं कि अपना भाई है सामने से मिलेंगे तो और अच्छे से वैसे बातचीत होगी बट बात अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मिल नहीं पाता मैं उनसे उतने क्लोजली क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर जब मीटअप खत्म होता है वापस आते हैं फिर मैं बैठता हूँ एक जगह अकेले और मैं सोचता हूँ थैंक्स करता हूँ कि क्या मैं जेनविनली इतना डिजर्व करता था जितने लोग इतना प्यार करते हैं मेरे से मतलब यार उनकी आंखों में दिखता है नहीं तो कोई नहीं जाता ऐसे

हाँ मैं बहुत सारी चीजें करता था मैंने प्रैंक्स भी करे सीपी में जा जाके खूब धूप धूप में जाऊ कैमरा लेके पैसे नहीं होते थे कि कुछ कैमरा नहीं, नहीं होते थे हाँ मतलब कभी ऐसे सोचा नहीं कि घर वालों से मांगे उस चीज के लिए सही है। तो जो कैमरा लिया मैंने पहला वो अपनी कमाई से ही लिया एक मेरे दोस्त के पास था कैमरा बट उसका लेंस मैं लेके आया था पचास एम लेंस में लेकर क्योंकि उसमें पीछे ब्लर ज्यादा होता तो फिर मैं बैठ के सोचता हूँ कि यार मेरी जो जर्नी है स्टार्टिंग से जब से मैंने स्टार्ट किया एक फ़ोन के साथ और एक साल मैंने पूरी मेहनत करी वो ज़ीरो मेरा रिजल्ट आया जीरो कुछ नहीं मिला मेरे को बदले में कुछ भी मैं कुछ नहीं आता एक साल तक आपको कोई मेरा पहला जैसे हमारे इनकम दिखाता है मेरे साथ एक दोस्त था मेरा हम लोगों ने साथ में स्टार्ट करा था मेरे चैनल का नाम था पहले द सोशल फैक्ट्री ये नाम था चैनल का तो हम लोग वीडियोस बनाते थे रोज़ पंद्रह पंद्रह सेकंड की बीस बीस सेकंड की फिर प्रैंक्स करते थे सीपी में जा जाके दिल्ली में और कुछ नहीं चलता था हमारा तो उस टाइम डॉलर था साठ रुपये का मुझे याद है डॉलर हमारा साठ रुपये का था तो उसमें दिखाता दो डॉलर दिखाया उसने तो मेरे दोस्त ने बोला यार इस अब तक तो एक सौ बीस रुपये ही आए हैं मतलब क्रिकेट स्टूडियो होता है हमारा उसमें दिखाता कि यार एक सौ बीस रुपये आए तो उसने छोड़ दिया था तो मेरा भी ऐसे हो गया यार साथी कम हो गया कि अब अकेला रह गया मैं अकेला क्या करूं मेरे पे टीम नहीं मुझे कुछ पता नहीं

बाईस सौ बट वो एक्टिव नहीं थे ऐसे थे ना कि जो सब्सक्राइब कर लेते हैं बट कुछ और डालो तो देखते नहीं है मैं तो एक तरीके से जीरो ही था मेरा चैनल और पहले ऐसे नहीं था मोनेटाइजेशन के लिए चार हजार घंटे वो सारे मोनिटाइज थे पहले तो मैंने छोड़ दिया कि यार अब तो ये दिस इज नॉट माय लाइन मैं इस चीज के लिए नहीं बना और मेरे को कुछ और करना चाहिए अपने काम धंधे में जॉब बिजनेस जो भी सोचूं मैं रेस्टोरेंट खोलने का सोचता था बाद में एक टाइम पे कि कनाडा चले जाऊँगा अपनी मास्टर्स करने कनाडा चले जाऊँगा घर वालों को बोलूँगा कुछ पेप, पेपर होते थे काफ़ी जैसे ट्वेल्थ के बाद सेट का एग्जाम होता है तो उसमें अलग से होता है कोई दूसरा जी मैट जी मैट बोलते हैं उसको तो कॉलेज में था मैं तो कॉलेज में स्टार्ट करा मैंने फर्स्ट ईयर छोड़ दिया फिर उसके बाद फिर मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ मैंने बनाना स्टार्ट करा वो भी नहीं चली फिर एक दोस्त बने मेरे मतलब जो और भी मेरे साथ के फैलो थे बट वो भी ग्रो नहीं हो पा रहे थे उनके भी काफ़ी कम सब्सक्राइबर थे तो वो मिला उनके साथ बनाई नया आइडिया शेयर करे एक दिन बैठ के गाड़ी में शूट करी, वायरल हो गए हम वायरल हुआ मैं, तो फिर धीरे धीरे सारी वीडियो हम मजाक जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाती ना असल मोटिवेशन आ जाती कि ओह किसी ने तो देखी कोई तो देख रहा है तो और क्यों ना बनाई जाए फिर ना लोग कहने लगे कि लोग फिर जानना शुरू करते कि और मेरे मेरे यहाँ क्या पसंद आता था तो उनको यार जैसे ही बोलता है ना इसके जो टोन है आ, वो अच्छा लगता है हमको वो कमेंट पढ़ता था मैं सबके कमेंट पढ़ता था तो नेगेटिव से बहुत लगता था यार क्यों गाली वगैरह मुझे नहीं। तो भाई आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है धीरे 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 फिर मैंने डेवलप करी स्किल्स शूट करने की एडिट करने की फिर मैंने सीखा मतलब ऐसे नहीं था कि मुझे आता था या मैंने कोई कोर्स करा धीरे धीरे टाइम के साथ ही मैं सीखा तो ये बैठ के मैं सारी चीज़ें सोचता सोचता हूँ जैसे कि मीटअप से आता हूँ ना कि एक टाइम वो था एक टाइम आज है कि मान लो कपड़े भी खरीदने जाए तो एक बारी को टैग ना देखें एक टाइम ये था कि वहाँ जा के भी ले ना पाए समझ हो ना और आज टाइम चेंज हो गया तो उससे मैंने क्या सीखा वो मैं सोचता हूँ कि यार इस टाइम से इस टाइम में मैंने ऐसा क्या कर दिया तो मुझे ना अपने आप पे ही भरोसा नहीं होता कभी कभी जैसे सोचते हैं ना इंसान की यार ये इतने सारे लोग यार मेरे में बस इसलिए कि ये अच्छा बोलता है इसका बोलने का तरीका पसंद है इसलिए वो मेरे से प्यार करते हैं मैंने कि मे भी पब्लिक कुछ और देख रही होगी मेरे अंदर जो उनको जो मैं नहीं देख पा रहा अपने अंदर तो उस चीज़ को मैं काफ़ी सोचता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ कि जर्नी मेरी वहाँ से यहाँ तक की कैसी अप्स एंड डाउनस वाली थी मेरा स्पाइन डीजनरेट हो गई थी मेरी छे डिस्क के इधर की और नीचे एल थ्री एल फोर एल फाइव ये हाँ ये मेरी डी जनरेट हो गई थी ये पूरा मेरा चौबीस घंटे पेन रहता था मेरा ये पूरा स्पाइन में हाथ में जॉ में आँख के अंदर सर में और बैक में पूरे राइट लेग में मतलब एक तरीके से मेरा राइट साइड का पूरा हिस्सा खराब हो गया था मतलब बोलना नीचे ऐसा खराब हो गया था बट पेन रहता था चौबीस घंटे ये होता था कि यार जैसे और दोस्त थे मेरे उनको देखता था मैं तो सॉरे सही कुछ किसी को कोई दिक्कत नहीं तुम घर बेडरिडन हो गए थे उससे नहीं मैं उसमें भी चलता फिरता और हाँ मैंने कभी ऐसे बेड पे रेस्ट नहीं मारा हाँ मेरे लिगामेंट भी टीयर हो गया था ये पता भी नहीं लगा था कि मेरा लिगामेंट टीयर हो रखा है उसमें भी मैं करता था तो एक तरीके से जब ये हुआ उसी के साथ साथ ही मैंने पैरल में करा, करा। इसी स्पाइन इंजरी में ही तो मे भी भगवान ने देख रहा होगा कि मेहनती तो है साड़ा है, है। इतना घूम रहा है इंजरी में भी तो इसको कुछ देना चाहिए तो ये भी हो सकता है कुछ मेरी मेहनत भी होगी कुछ मेरा लक भी होगा कुछ घर वालों के पुराने मेरे अच्छे काम भी होंगे आपका खुद का अच्छा करम भी होगा मेरे अच्छे क्रम होंगे कुछ बाप की दुआएं होंगी क्या कुछ तो वो ऐसे ही चलती हैं फिर चीज़ें आज टू सीटर में घूमते हैं तो वो वाली घमंड वाली बात नहीं आती कि टू सीटर में घूमते हैं घूमते हैं घूमे थे एक टाइम पे दूसरे दिन एक्सीडेंट हो गया था साइड में से स्कूटी छिल गई थी मेरी घर वालों ने ठीक भी ना करवाई छिली स्कूटी चलाए डोलता हाँ भाई सर रे, रेफ्ट साइड से घिस गई मेरी स्कूटी उसी को घूमता था उस पे लेके जर्नी का ही तो मज़ा है कि आज गाड़ी में इस साइड शॉपिंग कर उड़ रहे उड़े कपड़े रहें डिग्गी में कपड़े रहें तो वो वाली बात ना है कि अरे आज तम तो, तो बड़े आदमी हो गए अच्छा लगता है सुनने में कि हम कहाँ से कहाँ आ गए किसी दूसरे के मुँह से कोई वे अलवी सर तो भाई इतने से इतने हो गए तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है बट वो फील हमने करा कि मेहनत क्या करी कितने भागे कितने नहीं भागे कितने गिरे उठे ये सारी चीजें तो बहुत क्लोजली देखा मैंने वो और मेरा भी ये मानना है कि लाइफ में जो भी लोग सक्सेस करते हैं कोई भी हो जाए अभिषेक आप हम बेबी का तो हम सबके पीछे एक तो मेहनत के बिना अगर हम आप ही अपने फील्ड में सब मेहनत बहुत किए होंगे और दूसरा हमको कभी कभी लगता है जैसे आप बोले इंसान भी मैटर करता है